subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. We're looking at TikTok. We may be banning TikTok. We may be doing some other things. There are a couple of options, but a lot of things are happening. So we'll see what happens. But we are looking at a lot of alternatives with respect to TikTok. कि वो मुसलमान बहनों के हक में न्याय करते, निर्णय लेते, लेकिन उनके लिए वोट बैंक ज्यादा महत्वपूर्ण था, बहनों के लिए इंसाफ नहीं। उनके लिए अपना राजनीतिक जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण था, मुसलमान बहनों की जिंदगी बेहतर हो यह उनका लक्ष्य नहीं था। आज का दिन मनाना सही मायने में बड़ा सरल हो गया है, लेकिन सही जंग उन बहनों ने लड़ी जिन्होंने कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाया ताकि इंसाफ मात्र उनके लिए नहीं बल्कि पूरी कौम की बहनों के लिए प्राप्त हो सके। इसलिए आज उन बहनों को भी याद करते हुए जिन्होंने इस नाइंसाफी से जंग लड़ी, उनको भी याद करते हुए उनके प्रति भी आभार व्यक्त करती हूं। आज का ये शुभ अवसर हम लॉकडाउन और अनलॉक के बीच की एक परिस्थिति में मना रहे हैं। मुझे खुशी है कि जितनी बहनें आज यहां पर इस प्रांगण में उपस्थित है सबके चेहरे पर फेस कवर है। भोपाल की बहनों से अभी बातचीत हुई, बाटला हाउस की बहनों से अभी हमें उनके विचार सुने, काशी की बहनों से हम जुड़े, लखनऊ की बहनों से हम जुड़े, लेकिन सब ने प्रधानमंत्री जी के आह्वान को स्वीकारा, दो गज की दूरी बनाकर रखी और फेस कवर का इस्तेमाल किया। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamev Jayate, the truth shall prevail. जारी हुआ
और कहाँ कहाँ गरीबाना लगे उनके पास, हमारे विधायकों को खुद को, उनके परिवार वालों को, उनके मिलने वालों को, धमकी भरे भी, दबाव से भी, मानसिक रूप से परेशान करते विधायकों को, ऐसा माहौल बना दिया। कल मैंने कहा आपको कि पहले वो 15 लाख के 100 करोड़ पहली किस्त है, उसके बाद में 15 करोड़ मिलेंगे, बढ़ते बढ़ते अब तो लिमिट ही खत्म हो गई। उनको पूछा बताओ, आप बताओ क्या चाहते हो आप, जिस मुल्क में ये हॉस्टलिंग हो रही है उस रूप में, उसका क्या मुल्क का होगा। हम सबकी ड्यूटी है, हर नागरिक की ड्यूटी है, इस देश से मीडिया की ड्यूटी है, इस मुल्क से जुडिशरी हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो या मीडिया हो, सबकी ड्यूटी है। पहला काम है हम डेमोक्रेसी को बचाएं, हर नागरिक का कर्तव्य बनता है डेमोक्रेसी बचाने के लिए वो आगे आए, ये मैं अपील करना चाहता हूँ। इसीलिए हमारे विधायकों को एक सोचा गया, काफ़ी दिन यहाँ बैठे हुए थे, इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे थे, हमने कहा चलो उनको शिफ्ट कर देते हैं, दबाव कम होगा, वहाँ पर जगह दूर भी है, इसलिए हम जा रहे हैं। रिया को, असल बात है रिया को जिस तरह से उसको जिस तरह से इस गैंग ने उपयोग किया, सबसे पहले सुशांत को इसने प्यार में फंसाया, प्यार के जाल में फंसा करके सारे के सारे जो वित्तीय था इनका, जो मजबूत था, पैसा था, वो सारा का सारा ट्रांसफ़र करवा लिया। और उसके बाद जिस तरह से ड्रामा करने लगा भूत प्रेत के, और ड्रामा करके यह विषकन्या के रोल करने का काम किया, जिस तरह से फिल्म में विषकन्या होती है और वह डसने का काम करती है, उसी तरह से विषकन्या बन के इन्होंने प्रेम के जाल में फंसाने का काम किया इसको, और विषकन्या की तरह इसको डस करके इनकी प्रतिभा को कुचलने का काम किया, इन्होंने प्यार के अपमान करने का काम किया। पूरे भारत के लोग जो प्यार को सम्मान करता है, पूजा करता है, उस प्यार को अपमान करने का काम किया। बिहार में उन्होंने, उनके पिताजी ने FIR करने का काम किया, और बिहार सरकार चाहती है कि सुशांत की हत्यारे के जितने गैंग में जितने लोग हैं, उन लोगों का जनता के बीच में नाम आना चाहिए, पर्दाफाश होना चाहिए मठाधीशों को, और उसको न्याय मिलना चाहिए, उनके परिवार को, उनके फॉलोवर के जो करोड़ों लोग फॉलोवर हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। The scientific joint research between Israel and India has been going on for long. India and Israel, two countries, leading countries in science and technology in the world, two of the countries that reached the moon, are working together on different researches for the benefit of the humankind. This is a scientific cooperation between DRDD, Ministry of Defense in Israel, accompanied by experts from Ministry of Health, and from the Indian side, Principal Scientific Advisor for Prime Minister and the DRDO of MOD, some of the best scientists of the world, are working to find rapid tests for COVID-19, tests that will give results within few seconds. If this research will succeed, it will be a revolution, a dramatic change to the way that we live under this pandemic until we find and manage to immune all the population of the world. This collaboration between Israel and India, with the DRDO on their side, and the RDRDO and CSIR, is absolutely stunning in the way we have come together with speed, taking four different kinds of technologies to look at detection.
According to local statistics in India, in 2018 and 19, 92% of Indian computers, 82% of TV sets, 80% of optical fibers, 85% of motorcycle components are imported from China. Countless examples like these are the reflection of globalization. And globalization has deepened the interconnection between countries into capillaries. Whether you want it or not, the trend is difficult to reverse. Both China and India have been deeply embedded in the global industrial chain and supply chain. The development of economic and trade cooperation between our two countries is determined by international division of labor. It is also the natural choice of enterprises and consumers for our two countries under the market-oriented principles. The forced decoupling of the Chinese and Indian economies is against the trend and will only lead to a lose-lose outcome. आज ही के दिन उनको मेरी जो भेजी हुई राखी है, मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ सभी के जिन लोगों ने इसमें मेरी हेल्प की है कि उन्होंने मेरी मतलब राखी मेरी वहाँ तक पहुँच गई है। अभी मैंने मुझे पता चला है कि वो राखी और जो मैंने बुक उनको भेजी थी वो वहाँ तक पहुँच गई है। और मैं मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं ये 25वीं राखी अपने हाथ से उनके हाथ पर बांधूँ और बहुत दुआएँ दूँ, लेकिन कोई बात नहीं, ये कोरोना की वजह से ही ऐसा है कि सभी को प्रॉब्लम है और हमारा शायद नहीं जाना और नहीं मिलना ही ज़्यादा अच्छा था। मैं नहीं चाहती कि उनको भी कोई हमसे तकलीफ हो या हमारी वजह से उनको कोई तकलीफ उठानी पड़े। और चाहे मैं राखी यहाँ से भेजूँ या वहाँ जाके बांधूँ, दुआ तो मेरी एक ही है कि अल्लाह उनको सलामत रखे और वो इसी तरीके से खूब काम करते रहें और खूब खूब तरक्की करें और पूरे हिंदुस्तान का नाम जो है पूरे वर्ल्ड में हो गया है और जहाँ बाकी रह गया है वहाँ हो और उनकी सेहत अच्छी रहे और वो सभी के लिए अच्छा काम कर सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय सुनाया, उसमें उन्होंने ये कहा कि भारत की सरकार इसके लिए न्यास बनाए। हमें भूमि किसके हैं, इनके हैं, इसे कहकर छोड़ते तो कौन बनाना चाहिए ये सुप्रीम कोर्ट कहे, ये कोई अपेक्षा तो किसी ने की नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह क्यों कहा, इन सारे विषयों के तो भारत सरकार उसके भी एक का इस देश के सांस्कृतिक धरोहर के, इस देश के राष्ट्रीयता के प्रतीक के साथ इस देश के भारत के सरकार संविधान यदि जुड़े नहीं हैं तो इस मंदिर का और सरकार की कोई
ताल्लुक है कि वो केवल इट इज नॉट द लीगल कनेक्शन, इट इज नॉट द एडमिनिस्ट्रेटिव कनेक्शन और रिलेशन, उसके साथ एक कल्चरल रिलेशन है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है भारत सरकार की। वैसे तो यह कार्य होना चाहिए था स्वतंत्र भारत के प्रारंभ में ही। भारत स्वतंत्र होने के जो एक द्योतक है, प्रतीक है, वह केवल दिल्ली में सत्ता में बैठे हुए लोग बदल गए, ये केवल स्वतंत्र नहीं होता। अभी कल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुई, किसी ने एक लेख लिखे हैं मैकाले के शिक्षा पद्धति से भारत को मुक्त करने के लिए ऐसी शिक्षा नीति की आवश्यकता थी, इसलिए भारत के मानसिक गुलामी से मुक्त करना स्वतंत्र है, सांस्कृतिक गुलामी से मुक्त करना भारत के स्वाधीनता है, वैचारिक गुलामी से भारत के लोगों को मुक्त करना देश की आजादी है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण होना यह एक कोई रिलीजियस चीज नहीं है, इसलिए कई बार इस संघर्ष में, राम जन्मभूमि आंदोलन में, इसके तथाकथित विरोधी लोग, मैं तथाकथित इसलिए कह रहा हूं, उनको विरोध करने की इच्छा मन में थी कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन उनको विरोध करना था जो आंदोलन किए हैं उनका। बहुत सारे इसके लिए सबूत है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा आज, क्योंकि हमने आंदोलन के दौरान इन सारे विषयों को बार बार कह चुके हैं। तो इसलिए ऐसे जो विरोध करने वाले लोगों ने सेक्युलरिज्म के एक फिजूल चर्चा उन्होंने उठाई, मंदिर निर्माण के डिमांड करना यानी ये सेक्युलरिज्म का विरोध। तो सेक्युलरिज्म का अर्थ को भी विकृत किया, मंदिर निर्माण के या मंदिर के जो बात है, भावना है, उसके पीछे के एक सांस्कृतिक चाह के, राष्ट्रीयता के एक प्रकटीकरण के अभिव्यक्ति के बारे में भी उनके जानकारी नहीं थी, या जानबूझकर लोगों को भुलाने का प्रयास उन्होंने किया।